कमेंट आता है और एक भाई मुझसे पूछते हैं कि एनसीसी की भर्ती में मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो इसका मैं आपको लाइव प्रूफ के थ्रू बताता हूँ। 26 अगस्त को मेरे कॉलेज में एनसीसी की भर्तियाँ हुई थी, तो उसमें मेडिकल टेस्ट में सिंपल सी कुछ चीज़ें पूछी गई थी, वो आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए और है भी तो बिल्कुल माइनर क्वान्टिटी में होना चाहिए, उससे आप एनसीसी में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो नंबर वन जो चीज़ थी वो थी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टैटू। बॉडी पे किसी प्रकार का कोई टैटू नहीं होना चाहिए, और थोड़ा बहुत माइनॉरिटी में होता है तो चलो चलेगा एनसीसी में, बट इन द आर्मी अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि जो टैटू है उसको कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न बता दिया गया है। तो अगर आपके पास टैटू है बॉडी पे तो एनसीसी में तो लगभग चांसेस सेलेक्ट हो सकते हो, बट अगर आर्मी की बात करो तो वहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है नौकनी। नौकनी काफ़ी सारों को स्टूडेंट्स को हो जाता है रनिंग वगैरह गलत तरीके से करने पे, हार्ड फ्लेस पे करने पे, जंप करने से, काफ़ी सारी ज़्यादा वजन उठाने की वजह से नौकनी वगैरह प्रॉब्लम हो जाता है। किसी किसी को बिना कुछ रीज़न के भी हो जाता है, तो इसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। लाइक सिंपल से जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, आपको किसी तरह के घुटने से प्रेशर करने पर थोड़े टच हो रहे हैं, सेकंड में से होता थोड़ा चलने पर टच होते हैं, और थर्ड में तो इतने ज़्यादा होते हैं कि खड़े खड़े भी टच हो जाते हैं। तो इस तरह के लेवल होते हैं। अगर बहुत कम नौकनी है तो आप वैलिडो चल सकता है, और इसको आप एक्सरसाइज के थ्रू सही भी कर सकते हैं। थर्ड, किसी तरह का कोई फ्रैक्चर नहीं हो सकती है ज़्यादातर लेग्स में, क्यों? क्योंकि एनसीसी में हमें ड्रिल करनी होती है, परेड करनी होती है, उसमें कई सारे फ्लैट फुट मार्च कुछ इस तरह की ड्रिल होती है जिसमें आपकी बॉडी के हर एक पार्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आपको आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपको एक मिथ बना हुआ है कि चश्मा लगा हुआ है तो हम एनसीसी में भर्ती नहीं हो सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, चश्मा लगा हुआ है तब भी आप एनसीसी में भर्ती हो सकते हैं, इवन आर्मी में भी हो सकते हैं, बट कंडीशन वहाँ पर क्या होती है, थोड़ा सा माइनर सा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा माइनस का है, बहुत ज़्यादा प्लस का है, दूर का नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि चश्मे बिना रह ही नहीं सकते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी इन एनसीसी चल जाएगा। तो ये थे कुल मिला के मेडिकल टेस्ट के कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए। इसमें एक और पॉइंट ये है कि आपकी जो बॉडी का पोस्चर है वो भी एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कि फिजिकली पूरा टोटली फ्री होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इन बॉडी, ओके। तो इस तरह का कुछ सिंपल सा मेडिकल टेस्ट होता है, तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।